सीएसके को मिली बड़ी खुशखबरी, बीच आईपीएल हुई इस खूंखार खिलाड़ी की टीम में एंट्री, पलक झपकते ही पलट देता है मैच, टी20 का है स्पेशलिस्ट। आईपीएल में हमें एक से बढ़कर एक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। इस टूर्नामेंट में कई सारे युवा भारतीय खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का दम दिखा रहे हैं और अपने अपने तूफानी अंदाज से अपनी टीम को जीत दिला रहे हैं। इस सीजन में जहां बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले रही है, तो वही गेंदबाजों के लिए ये सीजन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है। लेकिन इसी बीच अब बीच आईपीएल में एक बड़ा बदलाव हो गया है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में एक तूफानी खिलाड़ी की एंट्री हो गई है। इस खिलाड़ी को टी20 का स्पेशलिस्ट माना जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन सा तूफानी खिलाड़ी बीच आईपीएल में हो गया है चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल और क्या है इस खिलाड़ी की खासियत। लेकिन उससे पहले अगर आप आईपीएल के पक्के वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। इसके साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार कौन सी टीम जीतेगी आईपीएल की ट्रॉफी, इस बार कौन सी टीम बनेगी आईपीएल की चैंपियन। सीएसके में आया तूफानी खिलाड़ी। आईपीएल 2024 तो ऑन है, इसमें सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स का मीटर भी ऑन है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार खिलाड़ी डेविन कॉनवे को लेकर बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि डेविन कॉनवे, जिन्हें लेकर यह खबर थी कि वो सेकंड हाफ में वापसी कर लेंगे, अब वो पूरे के पूरे आईपीएल सीजन से बाहर हो गए हैं। ऐसे में अब चेन्नई सुपर किंग्स ने डेविन कॉनवे का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। हैरानी की बात जरूर है कि कॉनवे की तरह किसी बल्लेबाज को चेन्नई सुपर किंग्स ने टीम में शामिल नहीं किया है, बल्कि कॉनवे की जगह पर एक गेंदबाज को टीम में चुना गया है। लेकिन ये वो गेंदबाज है जो अपने घातक प्रहार के लिए जाना जाता है। ये ऐसा खिलाड़ी है जिसने सिर्फ 4 गेंदों में ही भारत के 3 सबसे बड़े बल्लेबाजों के विकेट चटकाए थे। इनमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत का विकेट भी शुमार था। सीएसके में आया 36 साल का खिलाड़ी। बड़ी बड़ी टीमों पर पड़ता है भारी। चेन्नई सुपर किंग्स में अब जिस खिलाड़ी की एंट्री हुई है वो 36 साल का है। भले ही इसकी उम्र 36 साल हो, लेकिन ये अभी भी बड़ी बड़ी टीमों पर भारी पड़ता है और बड़े बड़े बल्लेबाजों के पसीने छुड़ाता है। हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के 36 साल के तेज गेंदबाज रिचर्ड ग्लीसन की, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स में डेविन कॉनवे की जगह लेंगे। रिचर्ड ग्लीसन ने साल 2022 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू भारत के खिलाफ ही किया था। तब उन्होंने टी20 मैच खेला था और भारत के स्टार बल्लेबाजों को अपने दमखम से रूबरू कराया था। रिचर्ड ग्लीसन के पास बिग बैश लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, साउथ अफ्रीका टी20 और बांग्लादेश प्रीमियर लीग जैसी हर बड़ी टी20 लीग में खेलने का एक्सपीरियंस है और अब उनके सामने आईपीएल में खेलने का दरवाजा भी पूरी तरह से खुल गया है। भारत के खिलाफ किया तूफानी डेब्यू। रिचर्ड ग्लीसन ने भारत के खिलाफ खेले पहले इंटरनेशनल मैच में 4 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ और सिर्फ 15 रन दिए, लेकिन टीम इंडिया के 3-3 बड़े विकेट अपने नाम किए। ये तीनों विकेट उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 गेंदों में लिए, जो कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत के थे। इनमें से सबसे पहले ग्लीसन ने शिकार किया टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का, जबकि ग्लीसन ने विराट कोहली और ऋषभ पंत के विकेट लगातार 2 गेंदों पर चटकाए थे। रिचर्ड ग्लीसन की बात करें तो उन्होंने अभी तक 5 और टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। इस तरह उन्होंने 6 इंटरनेशनल टी20 मैचों में 8.90 की इकोनॉमी से 9 विकेट चटकाए हैं। जुलाई 2022 में उन्होंने भारत के खिलाफ अपना डेब्यू किया, जबकि सितंबर 2022 में ग्लीसन ने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला। रिचर्ड ग्लीसन के पास ओवरऑल 90 टी20 मैचों का अनुभव है, जिसमें उन्होंने 101 विकेट चटकाए हैं। सर्जरी के चलते बाहर हुए डेविन कॉनवे। डेविन कॉनवे की बात करें तो आईपीएल 2024 के पहले उनके हाथ के अंगूठे में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। सर्जरी के बाद पता चला कि उन्हें कुछ हफ्ते क्रिकेट से दूर रहना होगा। वो आईपीएल 2024 के पहले हाफ में भी नहीं खेल पाए, लेकिन अब खबर आई है कि वो पूरे के पूरे आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे। तो ऐसे में ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बड़ा झटका है। लेकिन अब चेन्नई ने डेविन कॉनवे की जगह रिचर्ड ग्लीसन को अपनी टीम में रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया है। देखने वाली बात यह होगी कि कॉनवे के बाहर होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस खिलाड़ी की भरपाई कैसे करती है और उसका फायदा उसे किस तरह से मिलता है। वैसे इस सीजन में बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स का खेल काफी ज्यादा शानदार और दमदार रहा है। टीम अपने घर में तो मुकाबले जीत ही रही थी, पिछला मैच उसने विरोधी टीम के घर पर जीता और घर के बाहर जीत का खाता खोल लिया। वैसे दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस सीजन में दमदार प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक बार फिर से आईपीएल की ट्रॉफी जीत पाएगी? क्या महेंद्र सिंह धोनी एंड कंपनी 6ठी बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ क्रिकेट की ताज़ातरीन खबरों के लिए
हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।